एफर्ट्स हुए थे कि एक उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बने या हब बने, उसका फ्यूचर क्या देखते हैं? पहले आप बताइए पंकज, फिर मैं इनसे बात करूँ। ये डायरेक्टर हैं तो ये पहले आप चलिए आप फ्यूचर आप बताइए। हाँ फिल्म सिटी का ये अच्छी बहुत बढ़िया है बने और ये तो अच्छा है। हम तो मुंबई में जब शुरुआत में गए थे 8-10 साल काम नहीं मिल रहे थे तो हमें अक्सर लगता था कि यार बहुत दूर हैं घर से, बहुत दूर हैं, काश कि फिल्म इंडस्ट्री भोपाल में कहीं होती ताकि सेंट्रल इंडिया की सब कोई अपने घर जल्दी पहुंच जाए। तब तीज त्यौहार में जाने का मन करता था ना। और तो ये नहीं अच्छा है, हर स्टेट में बने, यहाँ बने। ऑलरेडी फिल्मों का माहौल तो बहुत बढ़िया हो गया है, आप गोरखपुर, बनारस, लखनऊ तो हब के रूप में बन ही गए हैं। आज हमारी यूनिट में 10 वैनिटी वैन लगती है, 10 यहीं की हैं लखनऊ की, अब बॉम्बे से नहीं आती हैं। तो लोग भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, पब्लिक ट्रेंड हो रही है, तो अच्छा है। दिग्वांशु जी आप तो और भी एक्सपैंड कर सकते हैं क्योंकि अब दक्षिण भारत की फिल्मों से बहुत एक कंपटीशन मिल रहा था और ये भी था कि उनको ही कॉपी किया जा रहा है, लेकिन ये अच्छा है अपने आप में कि फिल्म्स हमारी अच्छी कर रही हैं, लेकिन आपके जहन में वही सवाल जो ये एक्चुअली बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम हिंदी सिनेमा बना रहे हैं और क्योंकि हिंदी सिनेमा जो जिस तरह से हिस्टोरिकली रहा बम्बई में बना, तो जो पैसा लगाने वाले, जो प्रोजेक्ट को ग्रीनलिट करने वाले लोग हैं वो यूपी के नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे अगर लखनऊ में या इलाहाबाद में कहीं भी फिल्म इंडस्ट्री पहले से होती तो इतना अच्छा लिटरेचर हिंदी का है कहाँ इस्तेमाल हुआ हिंदी फिल्मों में। भगवती चरणा की चित्रलेखा उठा लीजिए, 1-2-3 पिक्चरें हैं जो बनी हैं, या प्रेमचंद जी की गोदान बनी या गबन बनी, कहाँ? और अमृतलाल नगर में भी प्रेमचंद जी, अमृतलाल नगर सब आए लिखने के लिए फिल्में, लेकिन सब भाग गए क्योंकि उनको रास ही नहीं आया वो। अब अगर वही चीज़ यहाँ होती, उत्तर प्रदेश में होती, तो आप सोचिए हिंदी सिनेमा अपने आप में बहुत रिच सिनेमा होता, अपनी हेरिटेज से जुड़ा हुआ होता, वो मिसिंग हो गया, कम्प्लीटली मिसिंग हो गया, वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये।